इंडिया में बीजेपी के राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो लोकसभा में इसके 303 मेंबर्स हैं, जो इस सदन की कुल सीट्स का 55% से भी ज्यादा है। यही नहीं, इंडिया के 29 में से 13 स्टेट्स में बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट और 4 अन्य में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है। तो ऐसे में इस पार्टी के इतिहास के बारे में चर्चा करना तो लाजमी है, ताकि ये समझा जा सके कि जो पार्टी महज 4 दशक पहले ही बनी थी, वो आज दुनिया के शिखर पर कैसे पहुंच गई। अर्ली 1980s में ही विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था। हिंदू आस्था से जुड़े इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने भी आडवाणी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि मूवमेंट की नींव रखनी शुरू कर दी थी। मैं अपील नहीं करता हूँ, आज तो मैं सरकार को और सब लोगों को इतना बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती, और मंदिर वहीं बनेगा। आज प्रातःकाल में यहाँ पर आया तो मैंने एक अखबार में मोटी मोटी खबर देखी, यहाँ के कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने मेरे नाम एक खुली अपील की है, जिसमें कहा है कि अडवाणी वॉर्न ऑफ कम्युनल राइट्स। इस प्रकार की बातें करना के सांप्रदायिक दंगे होंगे, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यूं तो शरारत करने के लिए 4 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस यात्रा के कारण किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। और यह यात्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ, लेकिन निश्चय के साथ, यह विकृत सेक्युलरवाद हमको स्वीकार नहीं। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के इस आंदोलन में अपने पूर्ण सहयोग की बात करते हुए बीजेपी ने इसे अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का भी पार्ट बना लिया था। एक तरह से यही वो मुद्दा था जिसने स्ट्रगल करती बीजेपी में नए प्राण फूंक दिए। तैयारी तो देखिए रहे हैं, बहुत धूमधाम से हो रही है उनके स्वागत के लिए। स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सरकार के कहने से मंदिर और मस्जिद का निर्माण नहीं होता है, यह धर्म की बात है और यह पब्लिक का अपना अटूट विश्वास की बात है। हम ऐसे दिल से कांग्रेस को चाहते हैं, लेकिन हम धर्म की जहां तक बात है तो हिंदू धर्म को तो है। देखिए मंदिर वो मेरा है, जो अयोध्या में जो मंदिर है वो हिंदुओं का है, वो आज से नहीं, सदियों पुराना है। इस मुद्दे को लेकर चलाए जा रहे अपने कैंपेन की वजह से ही लोगों में इस पार्टी को लेकर सपोर्ट बढ़ने लगा था, जिसका पहला परिणाम 1989 के जनरल इलेक्शंस में देखने को मिला, जहां बीजेपी को 86 लोकसभा सीट्स मिली थी। आज की तारीख में देख लीजिए, जैसे ही हमारी विजय यात्रा भगवान राम जी की रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी लेके बम्बई पहुंचे, वैसे ही जनता दल के 68 सदस्यों ने इस्तीफा देने के लिए उनको अपील कर दी है, बीपी सिंह को, के बीपी सिंह साहब आप हट जाइए। और बीपी सिंह साहब को देखिए, मंडल लोग की क्या आवश्यकता थी आज की तारीख में, आप सबसे सलाम मशवरा करते, पहले दूसरे मसले हल करते, लेकिन नहीं, उनको अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मंडल आयोग थोप दिया। और मुलायम सिंह यादव जैसे आदमी कहते हैं हम रथ यात्रा को अंदर नहीं घुसने देंगे, असली यादव नहीं लगता हमें, क्योंकि अगर असली यादव होता तो रथ यात्रा का स्वागत करता। इसी बीच सितंबर 1990 में आडवाणी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के सपोर्ट में सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का आह्वान किया, और इस रथ यात्रा के साथ ही भारतीय राजनीति केसरिया रंग से रंग गई। आडवाणी जी का कहना था कि इस यात्रा का मकसद पूरे भारत से इस मंदिर के लिए सपोर्ट जुटाना और हिंदुओं को जागृत करना था, लेकिन इस रथ यात्रा के संदर्भ में फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा का कहना है कि रथ यात्रा प्रतिबिंब थी हिंदुत्व की, धर्म युद्ध की, पुरुषार्थ की और एक हद तक मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म की। खैर, इस यात्रा को चाहे किसी भी चश्मे से देखा जाए, लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान आडवाणी जी अपने पब्लिक स्पीचेस में गवर्नमेंट पर मुस्लिम तुष्टीकरण और स्यूडो सेक्युलरिज्म की आड़ में हिंदुओं के लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहे। इस बीच वो इस मूवमेंट और अपनी पार्टी के लिए जनता से सहयोग की अपील भी करते रहे। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते, अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो,
रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? यह मामला ऐसा है जिसका समय पर सही निर्णय ले लेना चाहिए। मेरे साथ एक बार बड़े जोर से कहिए, सियावर रामचंद्र की। इस यात्रा के चलते बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी जी के प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाले जाने के ऑर्डर रिलीज कर दिए, लेकिन इसके बाद भी हजारों की संख्या में कार सेवक या रिलीजियस वॉलंटियर्स अयोध्या पहुंचने लगे। 43 साल के आजादी के बाद में भी महंगाई आज आसमान को छू रही है, बेकारी आज करोड़ों नवयुवकों की है, भूखमरी और गरीबी, आधे से अधिक लोग आज भी उस लक्ष्मण रेखा के नीचे हैं। यहां पर निरक्षरता, बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, मगर मालूम होता है पिछले कुछ महीनों से कि मानो इस देश में इनमें से एक भी समस्या ऐसी है ही नहीं। एकमात्र समस्या अगर कोई है तो वो है मंदिर और मस्जिद की। बिरथ रघुबीरा के नाम पर एक रथ पर चढ़कर एक पक्ष के नेता उनका चुनाव चिन्ह कमल को लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराते हुए देश भर में रथ यात्रा कम करते हुए घूम रहे हैं, तो ये किस लिए घूम रहे हैं? बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए? अगला चुनाव अगर आवे तो 88 का 188 किस तरह किया जाए, इस बात पर सोचने के लिए? मैं ये कहता हूं कि उनके सारे ये रंगीन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुसंख्य हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। अगर आज ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में है, इसका बहुत बड़ा श्रेय इस देश में बसने वाले 85% हिंदुओं को बेशक जाता है। लेकिन न महात्मा गांधी, न जवाहरलाल नेहरू, न फांसी के तख्त पर लटकने वाले हमारे वो सैकड़ों तमाम जो शहीद हुए, उनमें से एक ने हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी जान नहीं दी, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। मगर ताज्जुब की बात है, हट है, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं बनाएंगे और मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे। इसमें राम की मर्यादा है, अयोध्या राम का जन्म स्थल है, माना। ये बात हिंदुओं का एक विश्वास, उनके अस्मिता का सवाल है, इस बात को मैं मानता हूं। पर मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई कह दे, अडवाणी जी या कोई और, कि अयोध्या का वो कौन सा चप्पा जमीन है कि जो राम की याद से पवित्र नहीं, ये मुझको वो कह दे। अयोध्या के कहीं भी जाकर के आप मंदिर बना लीजिए, हम में से हर किसी ने हजार बार इस बात को मंजूर किया कि मंदिर आप बनाएं, बेशक अयोध्या में बनाएं, बेशक भव्य बनाएं, मगर ये हट न करे कि मस्जिद टूटने पर ही वो मंदिर बनेगा, ये हट न करे। हम में से कोई लाल झंडे मानने वाले हो या कोई और भी हो, हम सब धर्मों की श्रद्धा करते हैं। एक धर्म की अस्मिता और अहंकार के नाम पर दूसरे धर्म की अस्मिता और आस्था आप तोड़ नहीं सकते, इस बात को ध्यान में रखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, असहिष्णुता भी है, मानवता भी है और जात पात की व्यवस्था भी है, और इसीलिए वर्षों से संत और महंतों ने अनेक प्रकार के सुधार लाने के प्रयत्न किए। जात पात व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, आज भी वो कायम पड़ा हुआ है। आज एक नया प्रयत्न चल रहा है कि इस देश के अंदर में जिनको प्रशासन से दूर रखकर कहा गया कि ये सिर्फ सेवा और चाकरी करने के सिर्फ इसी लायक हैं और किसी चीज के लायक नहीं हैं, आज एक प्रयत्न किया जा रहा है कि देश के कारोबार चलाने में उनको भी हाथ बटाने का मौका दिया जाए। लेकिन वही ताकतें जो हिंदू धर्म के अंदर कठमुल्लापन कायम रखना चाहते हैं, झंडा लहराकर मस्जिदें गिराना चाहते हैं, वही लोग
इस देश के अंदर में वर्णाश्रम और जात पात के नाम पर भी जो है तो आज कसमें खा रहे हैं और उसके प्रयत्न कर रहे हैं। इनके चेहरों को देख लो, इनको पहचान लो, इनकी मनोवृत्ति को समझ लो। और इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर ये सारी लड़ाइयां एक तरह से जुट गई हैं कि मस्जिद कायम रहेगी, मंदिर जरूर बनेगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में इस बढ़ते जमावड़े को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने हजारों कार सेवकों को डिटेन करने के ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत से कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। इसे देखते हुए अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज लगानी पड़ी। इसी बीच फोर्सेज और कार सेवकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें बहुत से कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने लगा और उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगहों पर दंगे शुरू हो गए। इसी बीच बीजेपी ने वीपी सिंह गवर्नमेंट से भी अपना सहयोग वापस ले लिया, जिसके चलते फिर से फ्रेश इलेक्शंस हुए और इस बार बीजेपी को 120 सीट्स मिली। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। 6 दिसंबर 1992 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके अफिलियट्स ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के 1,00,000 से ज्यादा एक्टिविस्ट शामिल हुए। ये रैली अयोध्या के उसी विवादित राम जन्मभूमि के पास ही हो रही थी, लेकिन उसी दिन संदिग्ध परिस्थितियों में ये रैली उग्र हो गई और इसमें शामिल हुई लाखों की भीड़ ने विवादित बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। ये घटना एक अर्थक्वेक के समान थी, जिससे निकलने वाली तरंगें आने वाले बहुत से हफ्तों तक देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में फैलती रही और देश भर में हुए इन दंगों में हजारों लोगों की मौत हो गई। इस विवादास्पद घटना के बाद गवर्नमेंट ने विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया और साथ ही आडवाणी और अन्य बीजेपी लीडर्स को भीड़ को उकसाने और उग्र भाषण देने के आरोप में अरेस्ट कर लिया। इस घटना के बारे में बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एकाएक हुई घटना नहीं बल्कि सोची समझी प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी थी। इसी संदर्भ में 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह लिबहान की रिपोर्ट में बीजेपी के बहुत से नामचीन लीडर्स जैसे अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी समेत 68 को इस डेमोलिशन के लिए दोषी माना गया। इस रिपोर्ट के अनुसार इनके भाषणों और बहकावे में ही बाबरी मस्जिद डिमोलिश की गई। साथ ही उस वक्त की कल्याण सिंह की यूपी स्टेट गवर्नमेंट को भी इस घटना में शामिल माना गया। लेकिन 30 सितंबर 2020 को आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले में इन सभी लीडर्स को दोषी न मानते हुए इन्हें बरी कर दिया गया। अब इन तथ्यों और उनकी विवेचना के आधार पर हम इस घटना को किसी भी तरह देख सकते हैं। लेकिन फिर भी इस सब के बीच भी जो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है वो ये कि आजाद भारत के इतिहास की शायद यही वो सबसे बड़ी घटना है जिसने हिंदुस्तान के आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सेंट्रल इलेक्शंस हों या फिर स्टेट, बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही इलेक्शंस लड़ती देखी जाती है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि 2014 और 2019 में हुए इन जनरल इलेक्शंस में भी लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कैंडिडेट नहीं बल्कि अपने लिए पीएम चुन रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इस टर्न अराउंड के श्रेय का हकदार एक व्यक्ति और है, और वो है उसे 2014 के जनरल इलेक्शन में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट और करंट होम मिनिस्टर अमित शाह। मैं कहूंगा देशद्रोहियों सावधान, जाग उठा है राम भगवान, आपने कहना है। देशद्रोहियों सावधान, जाग उठा है राम भगवान। मैं कहूंगा ये तो पहले झांकी है, आपने कहना है काशी मथुरा बाकी है। ये तो पहले झांकी है, काशी मथुरा बाकी है।